पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लगातार राज्य और देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले पंजाब के 168 खिलाड़ियों को 33.83 करोड़ रुपए के नकद इनाम देकर सम्मानित किया। इस सम्मान के लिए खिलाड़ियों ने पंजाब सरकार का धन्यवाद किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, पहले माता पिता और रिश्तेदार लड़कियों को खेल को पेशे के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, लेकिन अब खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ने से नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये साड़ी टीम ने फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और ऐसे गोल्ड मेडल लेकर आए, जिसमें सारे स्पोर्ट्स पर्सन दस रहे ने कि सानू फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन लिए भी पैसे मिले, जिवें हुण सर ने भी दस्या कि आई नो किसी लिए अमाउंट में भी छोटी हो पर साडे लिए बहुत वड्डी है, क्योंकि किसी एक प्लेयर नू यू नो जदों स्टार्ट किया सी खेलना उदों सारे यही कहिंदे सी कि स्पोर्ट्स क्यों कर रहे हो, कोई होर फील्ड विच जाओ जिते तुसीं अपनी फैमिली दी भी केयर कर सको। पर हुण जिहड़ी गवर्नमेंट इन्ना सानूं सपोर्ट कर रही है, आई एम श्योर कि बाकी दे बच्चों नू भी हुण पेरेंट्स और उन्हां दे आंढी गवांढी यही कहिणगे कि तुसीं स्पोर्ट्स करो, क्योंकि इदां दी सरकार आई है जिहड़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन नू इन्ना सपोर्ट कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एशियाई खेलों में 32 पदक विजेताओं को 29.25 करोड़ रुपए का नकद इनाम दिया गया। इनमें स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 50 लाख रुपए दिए गए। वो सपने लाए, बहुत सख्त मेहनत की थी, सवेरे उठ के धुंध नहीं देखी, ठंड नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, ग्राउंड दे विच जाके 100 बॉल नाल लै जाके एशिया दे जां ओलंपिक दे रिकॉर्ड नू अर्जुन दे तीर वांगू सिर्फ मच्छी दी अख वांगू ही देखिया कि रिकॉर्ड केड़ा, मैं उस रिकॉर्ड नू तोड़ना है जां बराबरी करनी है। तो ये तुहाडी मेहनत ते तुहाडा सुपना जिहड़ा वो साकार होया, 20 मैडल जिहड़े ने पंजाब दे हिस्से आए ने, पहली बार होया आजादी तो बाद कि पंजाब के हिस्से, हालांकि पहला पंजाब बहुत वड्डा सी, जे आपां उन्हां वाले पंजाब दीआं जां हिमाचल दे हरियाणा नूं विच लावांगे तां बहुत मैडल ने पंजाब दे, अज्ज पंजाब वो पंजाब जिहड़ा कि बहुत वड्डा पंजाब सी, पर जो हुण साडा ये पंजाब है इन्हें 20 मैडल जित के साबित करता कि जे सानूं मौका मिले, साडे मुंडे कुड़ियों नूं मौका मिले तां असीं किसे तों घट नहीं हैगे, असीं ओलंपिक दे पोडियम ते, असीं एशिया दे, असीं कॉमनवैल्थ दे, असीं वर्ल्ड चैंपियनशिप दे पोडियम ते जा सकते हैं ते उत्थे देश दा झंडा जिहड़ा उपा उच्चा कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों की भलाई के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। मैं सारियां खेडां दा फैन हाँ, मैं लाइव टेलीकास्ट जिन्ना भी हुंदा सी एशिया दा मैं देखदा रहा, गोल भी देखे, इस बार तां साडी हॉकी टीम दा जिहड़ा स्कोर सीगा वो भी बहुत हाई स्कोर मैच जितते, 8-1 भी होया, 9-1 भी होया, 7-0, 5-2, तो ऐ लगता सी जिवें गोलां दीआं मशीनां पंजाब तों गईआं होईआं ने जिहड़ियां गोल कर रहीआं उत्थे जाके। तो हॉकी टीम ने हरमनप्रीत होरां ने, गुरजंट होरां ने, शमशेर होरां ने, मनप्रीत ने, मनदीप ने, हार्दिक ने, वरुण ने, मतलब किहड़े प्लेयर दा नाम लवां के जिहदे कोल भी बॉल आ जांदी सी लगदा सी इहदी बॉल जिहड़ी इहदी हॉकी नाल चिपकी ये तो हम गोल के सामने जाके ये उतरूगी। तो बड़ी खुशी हुई जो हरमनप्रीत हो रही आस्ट्रेलिया ना मैच होंदा है, तो हालांकि उत्थे स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया है आस्ट्रेलिया के बच्चे, पर इतों साड़िया कुड़ियाँ छोटे छोटे घर तो उठ के जो उ जाके जितदिया ने उत्थे जाके जो प्रोफेसनल खेडां हुण तो प्रोफेसनल दे विच भी साडियां पंजाब दीआं धीआं ने मल्लां मारियां ने, चाहे वह गोला सुट्टण च होवे, चाहे वह जैवलिन च होवे, क्रिकेट होवे, विमेन हॉकी वो भी कल ही अजे मैं मैच देख रहा सी। तो जिथे भी सानूं मौका मिलता है असीं किसे तों घट नहीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज़ादी के बाद भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीतकर 100 पदकों की संख्या पार की है। अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।